फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग क्रश। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको और देखने में उतनी सिंपल लग रही होगी आपको, पर उतने ही मज़ेदार कि हम सबको जंक फूड की बहुत कभी कभी ऐसी क्रेविंग सी होती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर जा नहीं पाते, पर घर में ही हम इतना बढ़िया सा जंक फूड बना सकते हैं, वो भी हेल्दी वेजिटेबल्स के साथ, तो आपके बच्चे भी खूब इंजॉय करेंगे। तो उस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप राइस लिए हैं, मैंने लिए हैं बिरयानी राइस, आप चाहें तो नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप लिए मैंने, अराउंड 250 ग्राम होते हैं 1 कप में, तो ये वो ले लिए। उसमें मैंने यहाँ वॉश कर लिया अच्छे से, उसमें सॉल्ट ऐड करके बॉयल करने रख दिया है चावल को। चावल को हमें बिरयानी की तरह बॉयल करना है। यहाँ मैंने सब्जियों में लिया 1 गाजर और 2 हरी मिर्च, 1 बड़ा साइज, अगर बड़ी शिमला मिर्च बड़ी है तो आप 1 ले लें और अगर छोटी है तो 2 ले लें, और 1 बिग साइज़ की मैंने प्याज ली है। ये सबको हम फाइनली चॉप कर लेंगे चॉपर की हेल्प से, या फिर आप उसको फाइनली चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइस देख रही हूँ, राइस कितना कुक हुआ है, हमें बिरयानी की तरह, मतलब 80% हम बिरयानी के राइस कुक करते हैं, हमें उतना नहीं करना है, इसे 95% कुक कर लेना हमें राइस को। यहाँ देखिए कितना अच्छा यहाँ पे चावल बड़ा बड़ा हो गया, और यहाँ हमें चावल को ठंडा नहीं करना, मैंने थोड़ा सा पानी लेके जितना एक्स्ट्रा राइस था वो यहाँ पे डाला है, चावल को हम ठंडा होने नहीं देंगे। मैंने आपको बताया ही नहीं हम क्या बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं वेज फ्राइड राइस और वेज मंच चाओ सूप। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया था, उसमें 1 टीस्पून गार्लिक डाला फाइनली चॉप करके, और जो हमने सब्जियाँ ली थी वेजिटेबल्स लिया था उनमें से 1/3 पोर्शन हम 1 कप में से 1/3 पोर्शन हम इसमें यूज़ कर लेंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाला है 2 टीस्पून, और टोमेटो केचप डाला है 4 टीस्पून, सोया सॉस डाला है 1 टीस्पून, और हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया, अब इसको हम बॉईल होने देंगे। साथ ही हम यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर ले लिया, मैंने 1/2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है, लम्स फ्री बनाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट लम्स फ्री बनाएंगे तभी हम अच्छी सी ग्रेवी बनेगी, अगर लम्स रहेंगे तो वो लम्स आएंगे आपके मुँह में। यहाँ पर अच्छे से हमने इसको फेंट के फिर इसमें डाला है, और यहाँ पे अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा पर ये जैसे ही बॉईल आएगा वैसे ही ये थिक हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, बच्चे भी खाएंगे, लाइबा भी खाएगी तो इसलिए। और साथ ही यहाँ पे मैंने यहाँ जो ऐड करा है वो है गोभी, गोभी को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है चॉपर की हेल्प से, तो वो ऐड करा है मैंने यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून। अब यहाँ पे हम फ्राइड राइस बना लेते हैं फटाफट से, फ्राइड राइस में बहुत जल्दी से बन जाएंगे ये, और बहुत जल्दी से क्विक सी रेसिपी है ये, आप कभी भी बना सकते हैं और बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून राइस लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करा है, और यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, और जितनी वेजिटेबल्स रिमेनिंग थी यहाँ हमने वो यूज़ कर ली, अगर आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ वही सेम वेजिटेबल्स, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च, ये चारों पांचों हमने वेजिटेबल्स लिए। यहाँ पे देखिए मैंने पत्ता गोभी ये ऐड करा है, तो ये भी हमने 2-3 टीस्पून यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो इससे काफ़ी अच्छा क्रंच आएगा। हमें पूरी तरह से कुक नहीं करना है वेजिटेबल को, हाफली बस यहाँ पे सॉटे करना हल्का सा, और अगेन उसमें यहाँ पे मैंने रेड चिली डाल दी है, इससे अच्छा फ्लेवर भी आएगा और इसके लुक भी बहुत अच्छा इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे हमने सॉटे कर लिया है, अब जो हमारे राइस कुक हुए हैं वो भी हमने ऐड कर दिया है, तो राइस को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर देंगे, और ये देखिए कितना अच्छा राइस खिला है। और चावल को हमें ना ठंडा होने देना, और पानी भी इसमें जितना है उसी वाटर में ये कुक होगा, जस्ट हमें ध्यान रखें, मतलब ये ऐसा है कि राइस मिक्स करके हमें चावल बस गर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने यह हरी प्याज भी इसमें ऐड कर दिए, तो आप उसमें भी मनचाओ सूप में भी ग्रीन ओनियन यूज़ कर सकते हैं ये वाली, और यहाँ फ्राइड राइस में कर रही हूँ, तो देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, और बिरयानी राइस से इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा, और लुक वाइज भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा रेस्टोरेंट की डिश है। तो यहाँ पे हमारे फ्राइड राइस भी तैयार हो जाते हैं, अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग करना भी बहुत सिंपल है, इसको हाफ साइड पर आप राइस को प्लेट कर दीजिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, और फिर हाफ साइज पर मनचाओ सूप जो हमने बनाया है, वेज मनचाओ सूप जो बहुत ही मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, वो सर्व कर लेंगे, और फिर ऊपर से हम ग्रीन ओनियन को गार्निश कर देंगे, और
आप अगर आप अपने फैमिली में या फ्रेंड्स को आगे सर्व करेंगे तो वो ये समझेंगे कि ये रेस्टोरेंट से आया है, तो उनको भी देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। ये ऐसी डिश है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल डिश लगेगी उनको, और फ्लेवर में तो ऑसम ही है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मिस ना करें, और ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी भी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आप में से किस किस को वेज मंचाओ सूप ज़्यादा पसंद है, या फ्राइड राइस पसंद है, या दोनों ही पसंद है, या ये कॉम्बो पसंद है। तो मिलते हैं ऐसी और रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।